चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। नहीं मैरी, तुम्हें अपनी उंगलियों को फाउंटेन में नहीं डालना है। चलो कैंडी का इंतजार करें। तो हमने इंतजार किया, ये कैक्टस है। तुम्हें क्या मिला है? ओ यार, चिंता मत करो मैरी, मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ। ये गमी आईज है। ये सही नहीं है। मुझे लगता है सब सही है। इसकी महक कितनी अच्छी है, मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं एक बार में दो खाऊंगी। स्वादिष्ट। और मुझे ये रंगीन गमी रिबन बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छा है। और वैसे मैरी, इन गमी के अंदर स्वादिष्ट जेली है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। और अब अपने गमी को जल्दी फाउंटेन में डालो। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ गमी मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छा है और कितना स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि अब दो ही स्टिक्स बचे हैं, लेकिन मैं सारे खा जाऊंगी। हे मेरी, देखो, अब मेरा गमी कैंडी चॉकलेट में ढकने वाला है। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं ये हमेशा खा सकती हूँ। ओह मैरी, लग रहा है तुम मुझसे जल रही हो। केट कैंडी के साथ बहुत लकी है और मेरे पास एक कैक्टस है। हाँ, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। वाओ, अपने आप को रोक पाना असंभव है। ये सब बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है मैरी, मेरा हो गया। लगता है तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हारे चेहरे पर चॉकलेट है, ये कोई समस्या नहीं है। मैं इन सबको चाट लेती हूँ। ओह फकीर, जाहिर है ये मेरे कैक्टस को खाने का समय है। मैं सब बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बहुत कांटेदार है। या हो सकता है कि चॉकलेट के साथ कैक्टस को खाएंगे तो इतना कांटेदार नहीं होगा। इसे जांचना होगा। नहीं, अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं उसे फिर से चॉकलेट में डालती हूँ। तुम क्या कर रही हो मैरी? ओह, यह काम किया। देखो, ये एक आइसक्रीम जैसा दिख रहा है। मैं इसे खाऊंगी। स्वादिष्ट। और सबसे महत्वपूर्ण, यह सुरक्षित है, एक भी कांटा नहीं। मैरी, यह मत भूलो कि सभी कांटे अंदर हैं। सावधान रहना। खैर, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। स्वादिष्ट। ओह, मेरे मुंह में कुछ चुभ रहा है। सच में कैक्टस कांटे? ओह, कोई उन्हें हटाओ। मैरी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये अच्छी बात है कि मेरे पास ट्वीजर है। मुझे अपनी जीभ दो। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, दर्द हो रहा है। सावधान रहो। कैक्टस खाते समय तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। तुम सही कह रही हो। क्या तुम्हारा हो गया? ओ वाह, बढ़िया। अच्छा किया केट, धन्यवाद। कोई बात नहीं दोस्त। वाह, केला और मीठे स्प्रिंकल्स, बढ़िया है। इस बार तुम मुझसे ज्यादा लकी हो। कच्ची मछली? मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है केट। ठीक है, मुझे पहले करने दो। वाह, स्वादिष्ट केला। मैं इसे छील दूंगी। यह अच्छा लग रहा है। अब इसमें चॉकलेट लगाऊंगी। केला और चॉकलेट की जोड़ी सबसे अच्छी है। वाओ। और अब इसे स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। यह इस तरह से अधिक सुंदर और स्वादिष्ट होगा। वाह, यह आश्चर्यजनक निकला। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट। अब मैं हमेशा चॉकलेट के साथ ही केला खाऊंगी। ओह, खैर, केले खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी स्प्रिंकल्स हैं। मेरे पास एक आइडिया है, इसे फाउंटेन में डाल सकते हैं, तो चॉकलेट और भी स्वादिष्ट होगी। कितना सुंदर, यह अद्भुत लग रहा है। वाह, फाउंटेन ने रंग बदल लिया है। वाह वाह, पर कितने अफसोस की बात है कि मुझे सुंदर चीज में इस घिनौनी मछली को डालना होगा। ठीक है, अभी या बाद में यह करना ही होगा। चलो मछली, इस चॉकलेट में डुबकी लगा लो। यह अच्छा लग रहा है, हालांकि यह अभी भी कच्ची मछली है, केवल चॉकलेट में। ठीक है, मैं खाती हूँ। सच कहूँ तो यह भयानक है। घिनौना स्वाद, मुझे बुरा लग रहा है। ओह सॉरी केट, चॉकलेट में कच्ची मछली केवल मछली से भी बदतर हो सकती है। बेचारी केट, वो इस दौर में बहुत बदकिस्मत निकली। शायद किसी तरह उसकी निराशा को कम किया जा सकता है। यह लो केट,
इस स्ट्रॉ को पकड़ो और मुझे इसके साथ क्या करना है? ओह, मुझे पता है। अच्छा आइडिया मैरी, आप फाउंटेन से सीधे चॉकलेट पी सकते हैं। मुझे लगता है कि यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मैं सहमत हूँ। आशा करती हूँ कि चॉकलेट फाउंटेन कभी खत्म ना हो। ओह, हमने ये सब पिया केट? हाँ, और यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट था। वाह, क्या वह मकई है? क्या मुझे वास्तव में उस पर चॉकलेट डालना है? लेकिन मेरे पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मेरे पास हबा बबा है। यह पहले से ही स्वादिष्ट है और यह चॉकलेट के साथ भी स्वादिष्ट होगा। मैं पहले शुरू करूंगी। मैं निश्चित रूप से जल्दी में नहीं हूँ। शुरू करो। चलो देखेंगे, देखते हैं। स्वादिष्ट। मैं चॉकलेट में रिबन कैसे डुबाऊं? मुझे पता है, मैं चॉकलेट को सीधे बॉक्स में डालूंगी और अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे ठीक से हिला दूंगी ताकि रिबन सभी चॉकलेट से ढक जाए। वाह, यह बढ़िया निकला। अब मेरे पास चॉकलेट गम है, मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह वाह, स्वाद वही है जो मुझे चाहिए। मैं इसे अपने मुंह में पूरी तरह से भर दूंगी। स्वादिष्ट। और अब यह चॉकलेट मेगा बबल का समय है। वाह, यह अच्छा निकला। और इतना ही नहीं है, मेरे पास एक दूसरा गम है। चलो फाउंटेन में जाओ, मैं वही काम करूंगी। फिर से अच्छे से हिला दिया और चलो अब देखते हैं। और इसे बड़े चाव से खाऊंगी। बढ़िया, तुम्हें खाते देखकर तो लालच आ रहा है केट। वाह, और बबल कितना अच्छा है। हाँ वह तो है। और तुम्हारा मकई कैसा है? अभी भी यहाँ है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। ठीक है, मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी, शायद ये स्वादिष्ट हो जाएगा। अच्छी खुशबू आ रही है, मैं खाकर देखती हूँ। हाँ ठीक ही है, कैक्टस जैसा नहीं है पर हबा बबा जैसा भी नहीं है। और क्या होगा अगर हम इस मकई को थोड़ा सुधार करें? मेरे पर्स में एक बर्नर था, इसे चालू करें और गर्म करते हैं। अगर मैंने सब कुछ सही ढंग से किया है तो मुझे एक सुगंधित महक मिलनी चाहिए। पॉपकॉर्न। देखो केट, यह भी चॉकलेटी है, पर इसका स्वाद कैसा है? बढ़िया। अब अगर पास में पॉपकॉर्न हो तो इसका मतलब है कि आप शानदार वीडियो देख सकते हैं। ओ, कुकिंग चैलेंज, कूल। मुझे ये पसंद है। यह कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि अंत में कौन जीतेगा। वाह, मुझे भी पॉपकॉर्न पसंद है। जबकि मेरी वीडियो देखने में व्यस्त है, मैं उसका पॉपकॉर्न चुरा सकती हूँ। आह, दर्द हो रहा है। बिना पूछे मेरा पॉपकॉर्न मत लो। देखो, यह एक ऐसा रोमांचक क्षण है। ठीक है, अपने पॉपकॉर्न खाओ लालची। इस चॉकलेट फाउंटेन से अपने को रोक पाना असंभव है। कितना स्वादिष्ट। हो, और यहाँ ट्रीट है। वाह, मेरे पास ओरियो कुकीज है, कूल। तुम्हें क्या मिला है? और मेरे पास कोई कैंडी नहीं है, यह नींबू है, एकदम खट्टा। मैं अभी से कल्पना कर सकती हूँ कि उन्हें खाते समय तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। हाँ, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। हो सकता है कि अगर चॉकलेट में नींबू डालते हैं तो इतने खट्टे नहीं होंगे, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। हमें जल्दी करना होगा। चलो करती हूँ। नहीं, अभी भी खट्टा है। मैं आज इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मैं ये नहीं जानती कि तुम्हें क्या कहूँ। मैरी, मुझे कोई समस्या नहीं है। ओह, तुम कितनी रूढ़ हो। ठीक है, खट्टी नींबू, फाउंटेन में जाओ, मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगी। कुछ भी नहीं बदला, अभी भी खट्टा। ठीक है, बस उन सभी को जल्दी से जल्दी खाना चाहिए। केट, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितना खराब है। हाँ, तुम्हें देखकर ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। बस एक लास्ट पीस बचा हुआ है। ओह मेरी, ऐसे क्यों रोना? नैपकिन पकड़ो, अपना चेहरा पोंछ लो और तुम फिर से सुंदर बन जाओ। ओह धन्यवाद केट, तुम बहुत अच्छी हो। छी मैरी, मैंने कहा अपना चेहरा पोछो, अपनी नाक मत छिड़को। छी, इसे फेंको, घिनौना। ओ, वैसे मैं अपना समय नहीं बर्बाद कर सकती, मेरे पास मेरा ओरियोज है। माफ करना मैरी, मैं अब और तुम्हारे ड्रामा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं स्वादिष्ट कुकीज मेरा इंतजार कर रही है और मैं उन्हें जल्दी से खाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं उन्हें चॉकलेट में डुबो दूंगी। चॉकलेट में चॉकलेट कुकीज, बढ़िया कॉम्बो।
कितना स्वादिष्ट। बस अपनी उंगलियां चाट कर खाने लायक है यह। वाह। बस एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है। हमें सभी कुकीज को पैक से बाहर निकालने और उन्हें ठीक से छोटे टुकड़े में करने की आवश्यकता है। कराटे के गुड़ यहाँ काम आएंगे। और अब एक हेड बाट। बढ़िया, सब करना है। केट, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल। आखिरकार मेरे पास एक शानदार आइडिया है। ओरियोस टुकड़ों के साथ एक बैग में चॉकलेट डाल सकते हैं। इसमें एक स्टिक डालें और इसे फ्रीज करें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा? मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बिल्कुल, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं जल्दी में नहीं हूँ। बढ़िया, मैं इन्हें फ्रीजर में रख दूंगी। और अब मैं टाइम सेट कर देती हूँ, कुछ घंटे पर्याप्त होंगे। सुपर, इसे बाहर निकालने का समय है। वाह, लगता है यह काम किया। हे केट, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पहले हम इसे छड़ी से लेते हैं, इसे पलट देते हैं और बैग को हटा देते हैं। कूल। देखो मैरी, एक अद्भुत ओरियो आइसक्रीम निकला। बहुत स्वादिष्ट। और अगर इसे फाउंटेन में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ चॉकलेट। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। केट, मुझे लगता है कि तुम मुसीबत में हो। तुम कैसी हो? असल में जमी हुई, फिर तुम्हें तुरंत गर्म करने की जरूरत है। चलो अपने आप को एक कंबल के साथ कवर करो। चलो, इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम। धन्यवाद मैरी, एक दोस्त की मदद करने में खुशी हुई। केट कितना ललचा कर खा रही है। खैर, वो तो मुझे देगी नहीं। या लो मैरी, आखिर तुमने मेरी मदद की है। दिलचस्प, यह यहाँ क्या है? वाह, मार्शमेलो। अरे बाप रे, कितना भयानक। हाँ, ये पक्का है, मेरे पास बदबूदार चीज है। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। मेरे पास एक आइडिया है, मार्शमेलो तुम्हें इस गंध से बचाएगा। केट, चीज को जल्द से जल्द खत्म करो, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। क्या मुझे इसे खाना होगा? मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगर मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूं, तो क्या ये इस तरह से महकना बंद कर देगा? मेरी राय में कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, मैं एक छोटा सा बाइट लूंगी। घिनौना, इस भयानक चीज का आविष्कार आखिर किसने किया? ये केवल चूहों को खिलाने लायक है। कितना बेकार। ओह, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे इस घिनौने स्वाद को हटाने के लिए कुछ चाहिए, तुरंत। ओह, चॉकलेट, मुझे यही चाहिए। बढ़िया है। ओह, लेकिन मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। मुझे अपना चेहरा पोंछना है, कुछ ढूंढना होगा। ए केट, ये मेरी टी शर्ट है, कोई तौलिया नहीं। अपने से साफ करो। मैं अपने आप को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहती थी, और मेरे बारे में क्या? ओह, ये अजीब निकला। अरे मैरी, तुम अपना मार्शमेलो क्यों नहीं खाती हो? ओह हाँ, मेरे मार्शमेलो भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। मैं फिर से चॉकलेट में मार्शमेलो को डालूंगी। स्वादिष्ट। वाह, मैरी को खाते देखकर लालच आ रहा है, मैं भी खाना चाहती हूँ। सॉरी केट, लेकिन मार्शमेलो मेरे हैं, तो मैं उन्हें खुद खाऊंगी। बस ऐसे ही एक एक करके। स्वाद तो बस कमाल का है। ओह, एक मार्शमेलो फवारे के ऊपर गिर गया। मैं उसे वापस ले लूंगी, इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, तो यह बात है, तुम तलवारबाजी करना चाहती हो, और जो जीतेगा उसे आखिरी मार्शमेलो मिलेगा, और वह मैं हूँ। अब मैं इसे खाऊंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट है यह। ठीक है, लेकिन मैं बाकी खाऊंगी। वैसे दो और बचे हैं, मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। हाँ, इसकी महक बहुत अच्छी है, स्वादिष्ट। मैरी, वे तुम्हारी नाक में थे, तो क्या वे उतने ही स्वादिष्ट है? चलो देखते हैं कि कौन पहले जाएगा। रॉक पेपर सीजर। मैं जीती, इसका मतलब मैं अपने ट्रीट्स को पहले खाऊंगी। वाह, ओरियोस, मुझे ये बहुत पसंद है। सभी को ओरियोस बहुत पसंद होते हैं।
खास करके इसका क्रीम। यह चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि ओरियो खुद भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ, लेकिन यह सफेद परत है जो कुकीज का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तुम क्या कर रही हो? यह बहुत ही मोटा ओरियो है। मुझे यही चाहिए था। सोचो यह कितना स्वादिष्ट हो जाएगा जब मैं इसे चॉकलेट में डुबाऊंगी। वाह, तुमने कितनी जल्दी इसे खा लिया। देरी क्यों? अब ढक्कन खोलने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार। अरे नहीं, वहाँ कुछ रेंग रहा है। अजीब, मुझे जादू की छड़ी की आवश्यकता क्यों है? मैं जादूगर नहीं हूँ। ये तुमने क्या किया? मेरे बाल वापस लाओ जल्दी। रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। हालांकि यह बाल तुम्हें सूट कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे, मुझे अपने बाल चाहिए। यह क्या है? लो, अब हो गया। अब उम्मीद है छड़ी मुझे कुछ स्वादिष्ट बनाने में मदद करेगी। ओ, तिलचट्टा। अगर यह छड़ी नहीं होता तो मुझे डर लगता, लेकिन जादुई छड़ी की वजह से मुझे पता है कि यह कॉकरोच अब चॉकलेट का बन गया है, इसलिए इसे मैं खुशी खुशी खा सकता हूँ। क्या तुम्हारे टी शर्ट पर जो कॉकरोच है वह भी चॉकलेट का है? पता नहीं, यह तो असली है। इस बार मैं पहले ढक्कन उठाऊंगा। वाह, लॉलीपॉप। अरे, उसके अंदर एक गंदी मिर्च है। शायद इस बार भी मोनिका को ही पहले शुरू करना चाहिए। हाँ, वाह, मेरे पास किसी प्रकार की सिरिंज है और अंदर कुछ रंगीन है और मुझे आशा है यह स्वादिष्ट होगा। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट। इस जेली को अब केवल चॉकलेट के साथ मिलाना है। शायद इसे प्लेट पर करना बेहतर होगा। वाह, तुम्हारा स्लाइम कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह स्लाइम बिल्कुल भी नहीं है, यह जेली है। वैसे बहुत स्वादिष्ट, और चॉकलेट के साथ ये और भी स्वादिष्ट और सुंदर हो जाएगा। वाह, सुंदर और स्वादिष्ट। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बधाई हो मोनिका। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मेरा लगभग हो गया है तो अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे अब खाना होगा। शायद यह लॉलीपॉप असल में स्वादिष्ट हो। मैं सही था, यह स्वादिष्ट है। अगर इसमें थोड़ा चॉकलेट डालते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। यह लाजवाब है। यह स्वादिष्ट है, तुम्हें तीखा नहीं लग रहा है? नहीं, यह ठीक है, यह आसान है। ओह, ओह, कितना तीखा। जैक, मैं तुम्हें अभी बचाऊंगी। ओह, अपना मुंह खोलो। ओह, तुम्हारे बिना मैं निश्चित रूप से जल जाता। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ।
मुझे जानना है कि इस बार मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है। वाह, मुझे एक आईफोन मिला है और इसमें पॉप इट कवर भी है। वाह, आशा है कि मुझे भी कुछ उतना ही बढ़िया मिलेगा। ओ नहीं, कितना भयानक। मुझे समुद्री जीवों से नफरत है, खासकर ऑक्टोपस से। जरा देखो यह कितना गंदा दिख रहा है। मुझे आशा है कि कम से कम चॉकलेट इस गंदगी का स्वाद बदल देगी। खाना खाओ। तुम्हारी वजह से मैं टिकटॉक पर फेमस हो जाऊंगी। धन्यवाद। तुम क्या कर रही हो? मेरे मुंह में टेंटिकल्स निकल रहे हैं। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? मुझे फेमस होने दो। क्या ऑक्टोपस स्वादिष्ट है? नहीं, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं, यह सिर्फ भयानक है। मोनिका, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने फोन को चॉकलेट में डुबोना है? हाँ, माफ करना, मैं भूल गई थी। अलविदा मेरा नया आईफोन, तुम मेरे सच्चे दोस्त थे। अरे, लगता है कि आईफोन को भी तुमसे प्यार हो गया था। सेब, ये स्वादिष्ट और स्वस्थ है। प्याज, यह स्वादिष्ट नहीं है, हालांकि यह पौष्टिक है। छी। अलग अलग टॉपिंग से सेब को और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, यदि इसे चॉकलेट में डुबाएं और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में। तो एक साधारण सेब बहुत स्वादिष्ट बन जाएगा। यह शानदार लग रहा है। अब इसमें स्प्रिंकल्स लगाती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। कैसा है, स्वादिष्ट? हाँ, बहुत। मैं खुश हूँ। चॉकलेट के साथ सेब, यह स्वादिष्ट है, लेकिन इससे भी अधिक स्वादिष्ट टॉपिंग। ये बहुत खूबसूरत है। ओ, वह तुम्हारे होठों पे लग गए हैं। अब तुम भी सेब की तरह दिख रही हो। यह कोई मजाक की बात नहीं है। अब मैं और भी मीठी हो गई हूँ। और तुम हंसो मत, तुम्हें तो अब प्याज खाने होंगे। ओ हाँ, वो गंदा प्याज मेरा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही आइडिया। मोनिका ने उन टॉपिंग्स की इतनी प्रशंसा की तो यह वाकई में बहुत स्वादिष्ट होंगे। मुझे आशा है कि वे मुझे प्याज के स्वाद से छुटकारा पाने में मदद करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्याज के स्वाद को कुछ भी नहीं दबा सकता। आओ पता लगाते हैं। शायद तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। यह बहुत खराब है। नहीं, कितनी बदबू आ रही है। तो मैं सही थी। मेरे मुंह में कूड़ेदान जैसी बदबू आ रही है। तत्काल कुछ करने की जरूरत है। कम से कम चॉकलेट से थोड़ा ठीक हो जाए। हाँ जैक, आज तुम्हारी किस्मत खराब है। और अब तुम्हारे पास एक चॉकलेट दाढ़ी भी है।
तो क्या, मुख्य बात यह है कि अब गंदा प्याज नहीं खाना पड़ेगा। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च, जैन यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा वह तो सातवें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। आप जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है, मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जेन, मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जैन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वह चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली, तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है, क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं, माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ, यस, ओ, स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे, बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे, शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें, यह डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद, आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है।
और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है, अंडे। खैर, उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ, वाह, अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जेन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बर्ड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? Yeah. मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसे महक है? ओह, यह जेन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वह वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम दो मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वह चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी दो मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वह एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है।
हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। यह शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। वाओ। जेन को इसे काटने से पहले दो बार सोचना चाहिए। बैम। यह थी बड़ी सी कोको बिस्फोट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने यह कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जेन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपने व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। वाओ। चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप्स से अपनी नजर एक सेकंड के लिए हटाई और जेन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस yes! No! कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? जी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है।